आप सभी का स्वागत है अभी के चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था फ्रेंड्स, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन कई बार अपनी ज़िंदगी में आ सकता है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर्स जो हायर लेवल पर बाइंग करके बैठे हुए हैं, जब इसमें लगभग 16 रुपये की तेज़ी आई थी, कई लोग ने इसमें बाइंग की थी, उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करके एग्ज़िट कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार मार्केट में गिरावट ही देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। कई दिग्गज स्टॉक्स में भी करेक्शन देखने को मिला है और उसी का असर हमें सभी मार्केट के सभी स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी आज ने आप देखना आपने देखा ही होगा 3% की गिरावट देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, जबकि येस बैंक में 2.33% की गिरावट देखने को मिली है फ्रेंड्स। इस समय हमें क्या करना चाहिए, सेल कर एग्जिट कर लेना चाहिए या वेट एंड वॉच करना चाहिए, ये सब आपके सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले एक रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाजू जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये अभी ट्रेंड कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं 12 रुपीज़ 55 पैसे पर जो स्टॉक 16 रुपये के ऊपर चला गया था, और इसमें पॉजिटिव न्यूज़ भी थी कि इसने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है। प्रॉफिट पोस्ट करने के बाद भी इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट में गिरावट है जिसका असर हमें हर स्टॉक पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। इस समय चाहिए कि हम SIP में इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप SIP में इन्वेस्ट करिए। मैंने अपने वीडियोस में लगातार आपको कहा है, जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को 30-30-30% में स्प्लिट कर निवेश करने के लिए सजेस्ट किया था। आप चाहते हैं तो मेरा पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मार्केट में गिरावट है और अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दबा के सेलिंग हुई है फ्रेंड्स, और आपने देखा ही है 2% 3% कॉमन है गिरावट इस समय। और अभी US मार्केट में भी अभी भी गिरावट जारी है फ्रेंड्स। तो ये देखते हुए मैं किसी भी शेयर होल्डर्स को, किसी भी बिगनर को या इन्वेस्टर को सजेस्ट नहीं करूँगा इस गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स। कभी भी हमें चाहिए कि गिरती हुई मार्केट में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी और जब मार्केट पॉजिटिवली चलने लगेगा फ्रेंड्स, उस समय आप निवेश कर सकते हैं। और मार्केट में इस समय इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया है कई कंट्रीज़ का, जिसमें हाई इन्फ्लेशन हो सकती है, रिसेशन हो सकता है, ऐसा न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से हमें सभी ग्लोबल स्टॉक्स में, ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए इसके रिलेटेड हम आगे देख लेते हैं, इसमें वॉल्यूम कितना था। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा जैसा येस बैंक में गिरावट हो रही है, वहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं 1 मंथ का एवरेज है 9 करोड़, 1 वीक का एवरेज 10 करोड़, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 12 करोड़ का वॉल्यूम था और आज भी 12 करोड़ का वॉल्यूम। आप देख सकते हैं वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिल रही है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कई लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं। लेकिन आप भी अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो ये भी एक अच्छा लेवल है फ्रेंड्स। 12 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक करने की कोशिश करेगा लेकिन ब्रेक नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तब में ही शायद ये 12 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर पाएगा, लेकिन वरना ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, मैं सजेस्ट करूंगा उन्हें होल्ड करके चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपने क्वार्टरली रिज़ल्ट में देखा ही है किस तरह से परफॉर्म किया था येस बैंक ने। अगर हम यहाँ क्वार्टरली रिज़ल्ट दोबारा से बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपके कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 100 करोड़ का डिफरेंस अमाउंट, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर पिछले क्वार्टर में कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं लगातार पिछले 4 क्वार्टर से प्रॉफिट ही पोस्ट करता हुआ आ रहा है येस बैंक। और ये करंट क्वार्टर में जो रिसेंटली इसने अपना
प्रॉफिट पोस्ट किया था उसमें लगभग 100 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपेयर टू पिछले क्वार्टर फ्रेंड्स। तो वो देखते हुए इसमें तेज़ी भी आई थी, लेकिन मार्केट में गिरावट होने की वजह से हमें सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपने इसमें निवेश किया है तो मैं सजेस्ट करूँगा इसे होल्ड करके चलिए। इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया है फ्रेंड्स। तो आपको चाहिए कि इसमें संयम बनाकर इसमें होल्ड करके चलिए। अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, आज फ्रेश बाइंग भी करना चाह रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा इस समय मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो इस समय आप मार्केट से दूरी रहिए फ्रेंड्स। ये महीने में गिरावट हो सकती है। अगर आप नए बिगनर हैं या नए स्टॉक मार्केट में नए हैं तो इस समय मार्केट से दूर रहिए। जब मार्केट सेटल हो जाएगा तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखें फ्रेंड्स, क्या निकल कर आई है, यहाँ आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में अभी भी गिरावट कंटिन्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ जोन्स सेल्स ऑफ आफ्टर न्यू इन्फ्लेशन डेटा, जो इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया है। अभी मार्केट में गिरावट हो रही है इन्फ्लेशन को लेकर फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन को लेकर मार्केट में गिरावट हो रही है और डाउ जोन्स और नैसडैक में अभी भी गिरावट है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी मार्केट में आप गिरावट देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। तो जब ये 12 रुपीज़ पर आएगा तो तब आप इसमें फ्रेश बाइंग के लिए सुन सकते हैं फ्रेंड्स। आपको बाइंग भी करनी है तो फ्रेश बाइंग 12 रुपीज़ पर आएगा तब आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो SIP में इन्वेस्ट कीजिए। आपके इन्वेस्टमेंट को 30-30% में स्प्लिट कर इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिले। इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इनकरेज करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये तो मेरे व्यूज़ थे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबाना मत भूलिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले।